बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ वनीला केक बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि अंडों को तोड़ के और अच्छी तरीके से इनको फेंट लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी को भी हम अच्छी तरीके से इसमें घोट लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने चीनी को जो है मक्खन में घोल लिया है। और अब मैं इसमें मैदा डालूंगी। 1 कप मैदा मैंने ली हुई है और इसे भी हम अच्छी तरीके से इसके अंदर फेंट लेंगे। पहले ऐसा करते हैं, इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से घोट दिया और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। ये देखिए बैटर हमारा जो है एकदम परफेक्ट हो गया। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी इसमें 1 अंडा और डाला है और अब मैं इसमें ये जो मेल्टेड बटर है, ये 100 ग्राम बटर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये अनसॉल्टेड है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो आप फिर उसमें 1/2 चम्मच नमक ना डालें। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है वनीला एसेंस डालने जा रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और मैं अभी इसमें टूटी फ्रूटी भी मिलाऊंगी। मैं इसमें टूटी फ्रूटी मिला रही हूँ और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी मैं इसमें ऊपर से गार्निशिंग करूंगी। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मेरे बेटियां बहुत पसंद करती हैं टूटी फ्रूटी। ये केक मोल्ड है मेरे पास। मैं ये जो मैंने सारा बैटर घोल के रखा है ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो भी आप मोल्ड ले रहे हैं केक के लिए, वो जितना भी आप बैटर आपने लिया है वो उस केक में 1/2 होना चाहिए। ये देखिए, ये आपको शायद इतना दिख ना रहा हो, मैं ऐसे उंगली का उसे नाप लेके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा दिख नहीं रहा होगा आपको कैमरे में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा इतना है, तकरीबन 1.5 पोरे से ज्यादा। और क्योंकि केक जो है बनने के बाद फूलता है, और अब मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल रही हूँ।
और अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक जो है भगोना पहले से उसके ऊपर रखा हुआ है गैस के ऊपर गर्म होने के लिए, और अब मैं इसको उसमें रखने जा रही हूँ। अब हम ये करेंगे कि एक ऐसे कटोरी लेके और इसके अंदर हम इसको उल्टी रख दें चाहे सीधी रख दें। और अब मैं ये जो मोल्डिंग मैंने रखी है ये भी मैं इसके अंदर रख रही हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा वैसे हाथ जलने का खतरा है क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले से भगोना रखा हुआ है, तो मैं इससे एक प्लास है मेरे पास, इससे पकड़ के मैं इसको रखूंगी। और अब मैं जो हूँ नीचे से, अभी मैंने सिम पे लगाया हुआ था फ्लेम को, और अब मैं मीडियम कर रही हूँ इसको, और इसके ऊपर मैं एक ढकना ढक दूंगी। ये मैंने ढक दिया है और तकरीबन 10 मिनट बाद मैं इसको दोबारा से देखूंगी। इसको रखे पूरे 35 मिनट हो गए हैं और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कंडीशन, और इसको चेक करने का तरीका यह है कि हम एक बड़ी सी जो है हमारे पास ये जो होती है स्क्रूअर है, इसको मैं डाल के देखूंगी अंदर। ये देखिए ये बिल्कुल पीस के ऊपर लग के नहीं आया, इसका मतलब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, चूंकि ये बड़ा वाला भगोना आधे घंटे से चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, बहुत गर्म है, इसलिए हमको इसको तमीज से बहुत ही सलीके से उठाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने इसको निकाल लिया है, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है इसलिए मैं अभी इसको टच नहीं करूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। लगे अभी बहुत तेज गर्म है, लेकिन मैं अभी भी इसको साइडों से गर्म पे ही अलग किए देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से, बिस्मिल्लाह। और ये इधर से भी, लेकिन मैं अभी इसको उठा नहीं रही हूँ क्योंकि एक सॉफ्ट केक जो है वो अभी बहुत सॉफ्ट है, अगर हम अभी इसको निकाल लेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए अभी हम इसको नहीं निकालेंगे, इसको हम ठंडा होने पे निकालेंगे। केक जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये देखिए, और अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ। और ये देखिए कितने इजीली ये बाहर आ गया, ये देखिए ये आ गया, बिस्मिल्लाह, ये हमारे हाथ में आ गया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, और अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए ये पूरी तरीके से अलग हो चुका है। ये केक काट के मैंने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बराबर में एक बेल आइकॉन होगा उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।